एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पॉइंट है आपके सामने। इसमें 8, 9 और 25 का हमें एलसीएम और एचसीएफ फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि 8 के जो फैक्टर होते हैं वो क्या होते हैं। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। ये जैसे कि हमने यहाँ पर 2 की टेबल में 8 कितनी बार आता है, 4 टाइम। 2 की टेबल में 4 कितनी बार आता है, 2 टाइम। 2 की टेबल में 2 कितनी बार आता है, 1 टाइम। तो इस तरह से 2 2 2 और 1, ये सब इसके क्या हो गए, 8 के फैक्टर हो गए। हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 टाइम रिपीट हो रहा है तो 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। ऐसे ही 9 का फैक्टर क्या होगा, 3 इंटू 3 होगा। 25 का फैक्टर 5 इंटू 5 होगा। तो अब हमें इन तीनों नंबर का एचसीएफ निकालना है। तो हम देख रहे हैं कि 8 के फैक्टर, 8 में केवल 2 2 ही आ रहा है, 9 में केवल, 9 के फैक्टर में केवल 3 आ रहा है, और 25 के फैक्टर में केवल 5 आ रहा है। तो हमें न तो 2 3 और 5 में से कुछ भी ऐसा कॉमन नहीं दिख रहा जो तीनों में हो। तो हमें यहाँ पर एक ही चीज़ नज़र आ रही है कि 1 जो है वो तीनों में है। तो ये क्या होगा, यही कॉमन फैक्टर होगा। तो यही हमारा इन तीनों नंबर का क्या बन जाएगा, एचसीएफ। अब हम एलसीएम की बात करें तो एलसीएम में हम हमेशा जो भी नंबर्स होते हैं उनकी मैक्सिमम पावर को लेते हैं। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है 2 की पावर 3, लेकिन यहाँ पर 2 का कोई नंबर नहीं है, यहाँ पर भी 2 वाला नंबर फैक्टर नहीं है। तो 2 की पावर 3 ही अपने आप में मैक्सिमम पावर होगी। इसी प्रकार से हमें यहाँ पर दिख रहा है 3 की पावर 2, तो 3 की पावर 2 इधर भी, 3 का कोई भी फैक्टर यहाँ पर नहीं दिख रहा है, यहाँ पर भी 3 की पावर वाली कोई वैल्यू हमें दिखाई नहीं दे रही है। तो यही अपने आप में 3 की मैक्सिमम पावर 2 होगी। इसी प्रकार 5 की पावर 2, ये हमें इधर भी नहीं नहीं दिख रहा है, यहाँ भी नहीं दिख रहा है। तो मतलब 5 की पावर 2 ही अपने आप में मैक्सिमम पावर वाली वैल्यू होगी। अब 2 की पावर 3 है तो उसे हम 3 टाइम लिख देंगे, 5 की पावर 2 है तो उसे 2 टाइम लिख देंगे, 3 की पावर 2 है तो उसे भी 2 टाइम लिख देंगे। इन सब का इंटू करने पर 1800 आंसर आएगा। ये नंबर्स का क्या कहलाएगा, एलसीएम।